ماہرہ خان، عاطف اسلم، حریم فاروق، سکس تھم اوارڈ سیٹرڈے 28 جولائی 2018. ٹکٹس اویلیبل ایٹ ٹکٹ ماسٹر. शीशा टूटना कितनी मनुष्यत होती है, कैसी बच्चुगुनी फैलाई इस मनुष मारी ने. माँ जी हाथ से फिसल गया. तू क्यों नहीं फिसली? हाँ पता नहीं क्या क्या खबर आने वाली है इस घर में. इससे पहले कि कोई मनुष्य खबर इस दरवाजे पे खटखटाए ना, तू ऐसा करके पीली दाल के लड्डू बना, काले गुड़ का छींटा डाल के ना गरीबों में बांट दे, ठीक है, ताकि कोई कोई मनुष्य खबर ना आए इस घर में. देख लिया ना, बज गई घंटी. अल्लाह खैर करे. आ गई खबर. बुध के दिन तो फोन भी बजे ना तो मुझे डर लगता है. कब से फोन बज रहे हैं, तुम लोग उठा क्यों नहीं रहे हो? अम्मा ये लैंडलाइन हमने आपके लिए ही तो रखा हुआ है. हेलो. हाँ क्या ये सब इतने अचानक से कैसे? अरे क्या कह रहे हो, मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए. आज तो लगता है अम्मा के रिश्तेदारों में वाकई कोई गुजर गई. अरे अम्मा की छोटी खाला तो नहीं गुजर गई? छोटी खाला इंतकाल फरमा गई. कल ही तो उन्होंने मुझे फोन करके प्रॉमिस किया था कि मेरी शादी पे मुझे डायमंड का सेट देंगे. ये तुम्हें खाला के गुजरने पे अफसोस हो रहे हैं या डायमंड के सेट पे? ठीक है किस्मत का लिखा होता है, पर इतने जल्दी कैसे? हमारी अम्मा ने दो ही चीजों को किस्मत का लिखा हुआ समझ के कबूल किया है, एक तो मौत को और दूसरा अपनी बहू को. अम्मा क्या हुआ है? वो मेरा दिल धड़क रहा है. बीपी ऑपरेटर्स ले आऊं? नहीं देखो मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं. क्या हुआ अम्मा बताएं तो सही, किसी का इंतकाल हो गया? तुम्हारे मुंह में खाक, तुम तो चाहती हो ना कि मेरे सब मर जाए. मैं अम्मा हमें कुछ बताएं भी कि आखिर हुआ क्या है? वो आ रहे हैं. कौन लोग आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं. कौन लोग? उर्वा को देखने के लिए. मुश्तरी मुमानी का फोन आया था, वो कह रहे आज शाम में ही उर्वा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं. शाम में कितनी देर रह गई है और कुछ भी इंतजाम नहीं है, क्या करूं परेशान हो रही हूं. ओहो एक तो ये छुट्टी वाले दिन जो मेहमान आ जाते हैं ना एक अजीब अजाब मचाता है. सुनो लड़कियों तुम लोग जाओ 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 जल्दी से जाओ किचन में देखो इंतजार जल्दी करो जी. मेरे पसीने छूट गए. अम्मा हौसला, क्या आपको इतना हो जाएगा? सब हो जाएगा. नहीं बेटा आज बुध का दिन है ना, बस वैसे ही बस मुझे डर लगा रही थी. अम्मा कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा. सुबह सुबह ग्लास भी टूट गए, अल्लाह खैर करे. आई टीवी देखते हैं. लेके नौकरानी के सामने बैठे हो? मुझे देखते के साथ अखबार तुमने सामने ले लिया ना, जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ताड़ू कहीं के. और तुम ये क्या मिस्टर की मम्मी बनकर मेरे सामने आ जाती हो? तुम तो मेरी जान ही निकाल देती हो. इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली तुम्हारी जान, ना जाने कितनी औरतों में अटकी हुई है.
सुनो जरा जल्दी जल्दी हार चलाओ, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। ओह उसको क्यों तुम जल्दी जल्दी कह रही हो? लिली प्लीज टेक योर टाइम, पहले भी तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से 3-4 नौकरानियां काम छोड़कर जा चुकी है, सारे काम का लोड मुझ पर आ जाता है। प्लीज अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जाओ। हाँ मैं चली जाऊँ और तुम्हें अकेला छोड़ दूँ उस खूबसूरत नौकरानी के साथ, ताकि आइटम सॉन्ग परफॉर्म करो। सुंबल अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरत बनाया है, मतलब देखो तो सही सुंबल, वो खूबसूरत है। तुम्हें खूबसूरत भी लगती है अब ये? तुम काम का शक कर रही हो, तुम्हें पता है शक की औरतें बहुत जल्द बूढ़ी हो जाती है। शक की औरतें बहुत जल्द बेवा भी हो जाती है। क्या कर रही हो, ये पड़ोस का अखबार है, खराब हो जाएगा। तुम क्यों रोजाना पड़ोस से अखबार चोरी करके ले आते हो? क्योंकि मुझे किसी ने टोटका बताया था कि अगर चोरी के अखबार में नौकरी तलाश करूंगा तो बहुत जल्द मिल जाएगी। रशीद अंकल और उनकी बेटी आने वाले हैं, प्लीज मेरे लकी ग्लासेस में उनको पानी पिला देना एक ही सांस में। रशीद अंकल की बेटी को कोई मौजी मर्ज हो गया जो अपने लकी ग्लासेस में पानी पिला रही हो? मतलब अच्छा काम करो, रशीद अंकल कहाँ इस उम्र में बूढ़े धूप में मेरे घर आएंगे, अब उन्हें कहना कि पानी ही पिलाना है ना, तो अपनी बेटी को भेज दे, मैं उसको अच्छी तरह पानी पिला दूंगा। बीमार वो नहीं, बीमार तुम हो, रिश्ता होने वाला है उसका। हाँ मैं तो घर में इसीलिए पड़ा रहता हूँ ना कि कोई बीमार हो उसको शिफा देने के लिए ग्लास में पानी भर के दे दो, किसी का रिश्ता होने उसको पानी भर के पिला दो, और कोई काम नहीं मेरी जिंदगी में। गॉड तुम्हें मेरी लकी ग्लासेस की अहमियत का अंदाजा नहीं है, कितने लोगों को फायदा पहुंचा है उनसे। पैसे तो तुम कमाते नहीं हो, घर बैठ के नेकियां ही कमा लो। तुम, तुम्हारे ग्लास और इनकी नेकियां, बस यही मेरे गले पड़ गई हैं। खबरदार जो मेरे ग्लासेस के बारे में कुछ कहा। तुम जैसे बेकदरे इंसान को बार बार बताना पड़ता है कि इनकी तारीखी कदर क्या है। मेरे नाना अबू मुझे बताया करते थे कि अनारकली ने अगर अकबर बादशाह को इन ग्लासेस में पानी पिला दिया होता ना तो दीवार में चुनवाने का हुक्म नहीं देता वो। हाँ लेकिन शायद अनारकली ने उन ग्लासेस में फिर मिस्त्रियों को पानी पिला दिया था, जिनकी बरकत से मिस्त्रियों ने ऐसा से दीवार में चुना था कि आज तक उसकी प्यासी रूह वहाँ पे भटक रही होगी दीवारों में। जो इन ग्लासेस की तौहीन करता है ना, इबरत का निशान बन जाता है वो। लेकिन तुम तो पहले से हो तो करते रहो, हो गया तुम्हारा काम, चलो चलो मेरे पास टाइम नहीं है। एम्बैरेसिंग। मुझे ना आपके जहेज़ का ये वाला सेट बहुत पसंद है, बस आज हम रिफ्रेशमेंट में यही यूज करेंगे। प्लेट्स का तो मसला नहीं है, ये बताओ ग्लासेस कौन से रखने चाहिए? ग्लासेस इतने सारे हैं तो? छह एक जैसे नहीं है ना, सुबह जो एक सेट था वो तो मासी साहिबा ने तोड़ दिया, सर्विंग के लिए तो एक जैसे ग्लास चाहिए। कह तो आप सही रही है, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातें भी बहुत नोटिस करते हैं। तो बताओ क्या करें फिर? भाई मैंने तो सारे वॉशरूम शीशे की तरह चमकवा दिए। ये वॉशरूम क्यों चमका दिए? भाई शीशे से ज्यादा चमकदार होने चाहिए, क्योंकि आजकल के लड़के वाले पहले वॉशरूम देखते हैं और बाद में लड़की को देखते हैं। आते ही घर में ना सबसे पहले वॉशरूम का रास्ता पूछते हैं। सब काम ठीक तो चल रहा है ना? हाँ सब ठीक है, मगर अम्मी सर्विंग के लिए एक जैसे बर्तन और एक जैसे ग्लास होने चाहिए ना, और हमारे सारे सेट खराब हो चुके हैं। हाँ ये बात तो है, और वो जो वो तो तुम अपने जहेज के लिए लाई थी ना, वो तो इतने कच्चे थे फौरी तौर पे टूट गए, लगता है बुध बाजार से आए थे ना। अम्मी मुझे ये बताएं कि हम क्या करें, आज स्ट्राइक है, मार्केट से भी ग्लासेस नहीं आ सकते, तो फिर आप ये बताएं कि 6 एक जैसे ग्लासेस हम कहाँ से लेकर आए? वैसे ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो हमारे पड़ोसी है ना आजम सिकंदर, क्या क्या नाम, सिकंदर, हाँ हाँ वही जो अपनी बीवी के आगे भीगा बिल्ला बना फिरता है, नाम का ही है बस वो सिकंदर आजम जो भी है। अब तुम ऐसा करो उससे जाके मांग लो, देखो हम वापस कर देंगे। अम्मी किसी से मांगना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो भाई तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला ये है कि मेरी बेटी का रिश्ता अच्छे से तय हो जाए। जी आई एम सॉरी मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूं। Okay. वैसे तुम्हारी मर्जी है सिकंदर, मुझे तुम शेव में ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती हो। कर लो शेव कर लो, कोई बात नहीं। Tonight. Why tonight? Why not day?
ये जरूर सुंबल होगी। सही कहते हैं सियारे, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। अब पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन करेगी कि शेव क्यों बना रहे हो, कहां जा रहे हो, और शक करेगी मुझ पे। तौबा, मरती भी नहीं है, सीढ़ियों से भी नहीं गिरी आज तक ये। तो हमारा तुम और आप वो यहां तो नहीं मैं करने वाला। मेरी बीवी ने देख लिया तो हम दोनों को जान से मार देगी। क्या नहीं कर सकते? ये जो तुम कह रही हो करने के लिए, गाल पर क्या क्या कह रही हूँ मैं? सठिया तो नहीं गए तुम? फोम, शेविंग फोम लगी है गाल पे। हाँ ना, फोम का ही तो मैं भी कह रहा था। वो असल में मैं अपनी बीवी से बहुत डरता हूँ। हमारा रिलेशनशिप अब बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। वो किसी भी दिन मुझे छोड़ कर जा सकती है। आई विल सिंगल वेरी सून। वो तुम आप अखबार के फटने पर नाराज हो रही होंगी। नहीं, मैं अखबार के लिए नहीं आई। असल में मुझे कांच के ग्लास का सेट चाहिए था। मेरी नंद है ना, हमारे घर पे उसके लिए, रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, तो इसलिए। व्हाटएवर, आई वाजंट लिसनिंग एनीवे। आई हैव गॉट ऑल द ग्लासेस इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मिरर्स। प्लीज आप अंदर आ जाए ना। ओके। Hey, you mara belong, yeah? ये लो भाई, ये रहे ग्लासेस। इनमें से जो भी तुम्हें समझ आए वो तुम रख लो। ये सही रहेंगे, इसका पूरा सेट दे दो। I'm so sorry, ये मारा, ये सेट तो इनकम्प्लीट है। ये तो सिर्फ चार है मेरे पास। इसका पूरा सेट? Are you kidding me? कुछ और मांग लेती। I'm so sorry, ये भी इनकम्प्लीट है। ये मेरे पास सिर्फ पांच और वैसे भी ये ग्लास खराब है। अगर इनको उल्टा कर दे तो सारा पानी निकल जाता है। प्लीज तुम कोई और सिलेक्शन कर लो। मसला तो हमारे घर पे भी यही है। इतने मसले तो घर छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा रहने दो, ना छोड़ो, मैं कुछ करता हूँ। तुम प्लीज यहाँ पे बैठो। अच्छा वहीं पर बैठना, यहाँ ना बैठना, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा हूँ। ओके, मैं भी आता हूँ। और कौन से ग्लास लूं? अमारा को ये दे देता हूं, पर ये तो खुद अमारा की नंद जैसी है कि रिश्ते वाले कंफ्यूज ना हो जाए। तुम्हें मेरी लकी ग्लासेस की अहमियत का अंदाजा नहीं है। मेरे नाना अबू मुझे बताया करते थे कि अनारकली ने अगर अकबर बादशाह को इन ग्लासेस में पानी पिला दिया होता ना, तो दीवार पर चुनवाने का हुक्म नहीं देता। रशीद अंकल और उनकी बेटी आने वाले हैं, मेरे लकी ग्लासेस में उनको पानी पिला देना एक ही सांस में। दुआ जा करके यही आखिरी ग्लासेस का सेट बचे, पर ये तो सुंबल के लकी ग्लासेस हैं। अगर उसे पता चल गया कि ये मैंने अमारा को दे दी है, वो तो मेरी टांगे ही तोड़ देगी। क्या करूं क्या करूं, रहने देता हूं। और अगर अमारा को ये सेट ना दिया तो उसकी नंद का रिश्ता नहीं होगा। वैसे तो मेरी तरफ से उसको आग लगे मुझे कह जाते, लेकिन फितरी तौर पर मुझे अमारा का साथ देना चाहिए। क्या सुंबल अमारा, सुंबल अमारा, what am I thinking? Sumbal is my wife. Of course, it's Amara. Dekhi jayegi khair. पैर तो टूट गया, लेकिन शुक्र है ग्लास बच गए। बेचारे का हशर ही कर दिया बीवी ने। हे ये मारा, हे ये क्या हुआ आपको? ये बस वो मेरा पाँव स्लिप हो गया, नथिंग इम्पोर्टेंट। हमारा दूर, हमारा करीब, हमारा ये छह ग्लासेस का सेट आज से तुम्हारा।
थैंक्स लॉट सिकंदर, आपको अंदाजा नहीं आपने मेरा कितना बड़ा मसला हल कर दिया है। तुम्हारी मुश्किल तो मैंने हल करवा दी, लेकिन मैं जिस मुश्किल में फंसूंगा उसका क्या करूंगा? टांग तो पहले तोड़वा चुका हूँ। कितनी खूबसूरत ग्लास है। हाँ, देखने में कितने ऑर्डिनरी लगते हैं ग्लास, लेकिन मेरी बीवी इनकी ऐसे हिफाजत करती है जैसे पता नहीं प्लैटिनम या गोल्ड के हों। जहेज के होंगे ना शायद, इसीलिए हर औरत इसी तरह अपने जहेज की चीजों की हिफाजत करती है। नहीं नहीं, जहेज के नहीं है, ये मेरी बीवी के नाना की आखिरी निशानी है। शेरशाह सूरी ने मेरी बीवी के नाना के दादा को बहुत खूब नाचने पर ये इनाम में दिए थे। अच्छा, वो नाचते थे? बाजी नहीं आते थे वो। अपनी बीवी के इशारों पर नाचने से जब उनको कुछ भी ना मिला तो बादशाह के दरबार में नाचने पर उन्हें ये ग्लासेस इनाम में मिले। बहुत ही लकी ग्लासेस हैं ये, लेकिन आई एम श्योर इन ग्लासेस के रिम्स पे आज भी इंतहाई मुजी मराज के जंगली जरासीम अडलाते रहते होंगे। वो क्यों? क्योंकि इतनी सदियों से बीमार लोग इन ग्लासेस में पानी जो पीते आ रहे हैं। ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन, माय वाइफ थिंक्स कि इन ग्लासेस में पानी पीने से बीमारों को शिफा मिल जाती है, मौत टल जाती है, तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। ये बड़े तारीखी और बड़े जादुई किस्म के ग्लास हैं। अच्छा, पढ़े हमारा, तुम परेशान मत हो, इन ग्लासेस से सिर्फ मसाइल ही हल नहीं होते बल्कि अगर दो लोग अपने चारों हाथों से सच्ची नीयत से इनको थाम लें तो रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। चलिए फिर, मेरी नंद का रिश्ता भी पक्का ही समझे, जैसे मेहमान जाएंगे ना मैं आपको ग्लास वापस कर दूंगी। नहीं प्लीज, देखो मेहमानों के जाने के फौरन बाद मत आ जाना, कल जब मेरी बीवी ऑफिस जाएगी ना हमारा, उसके फौरन बाद तुम आ जाना। मतलब? पता नहीं क्या मतलब। मेरा मतलब यह है कि मैंने इन ग्लासेस का अपनी बेगम को नहीं बताया कि ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ओके चलें, ठीक है, पड़ोसियों के खाते जान हथेली पे रखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा, अब हम क्या पड़ोसी हो गए? हाँ, मेहमान आते होंगे तो मैं, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, सीधी घर जाना, घूमना जाना। हमारा के होंठ कितने काले हो गए, सिगरेटें ना पीती हो बेचारी। बेटा जी, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि छोटी छोटी बातों की अहमियत को समझ सके। माँ, ये फैक्ट है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लास्ट मंथ लड़की पसंद आ गई, लड़की के घर वाले पसंद आ गए, लेकिन आपकी पसंद का कटलरी सेट देने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो आपने उस घर का रुख ही नहीं किया। तुम इन बातों को नहीं समझोगे, छोड़ दो। माँ, यकीन माने मैं थक गया हूँ जा जा के लोगों के घर, अगर अब लड़की पसंद आ गई ना तो प्लीज कुछ मांग मत लीजिएगा। तुम ना बिल्कुल अपने बाप पर गए। अरे वो 6 बच्चों का बाप बन गया था, पर फिर भी ना बच्चा ही बना रहा। Come on, माँ। अच्छा बस चुप कर जा, मुझे कोई चीजों की कमी है? हाँ, यही बात तो मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, फिर भी आप इतनी डिमांडिंग क्यों हो जाती हैं? देख, लड़की वालों ने चमचा सेट नहीं दिया ना, मुझे उनके दिल का हाल मालूम हो गया। दिल का हाल? माँ, ये दिल का हाल और चमचे सेट का आपस में क्या लेना देना? आए हाय पुत्र जी, शादी दो खानदानों के दरमियान होती है, सारी उम्र लेन देन चलता रहता है। जो पहले दिन लड़की वालों को जो घराना है ना, अगर वो कंजूसी दिखाए फिर पूरी जिंदगी उस कंजूसी को देता कुफाचारी का नाम और बचत करते रहते हैं। For God's sake, माँ, why are you so old fashioned? तो छोड़ old fashioned, चल फोन निकाल जवेरिया से पूछ, लड़की वालों के घर डायरेक्ट आएगी। ये सौलाद के लिए कुछ भी अच्छा सोच लो, कभी एहसान मंद नहीं होंगी हमारी। माय फ्यूचर का और इन सब चीजों का क्या ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आ रही। फोन कर, फोन। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर पे, और कहाँ? सीरियसली, तुम अभी तक निकली नहीं? उमेर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी आज 9 बजे की फ्लाइट है दुबई की, मैं नहीं आ सकती। मैं तो अंडरस्टैंड कर लूंगा, लेकिन माँ का क्या करूँ? माँ को अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारी शादी को उन्होंने ना कालाबाग डैम का मसला बना के रखा हुआ है, इस चक्कर में तुम्हारे सारे सर के बाल सफेद हो जाएंगे, देखना तुम। ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम, इधर दो फोन, इधर दे। हाँ देख, 5 बहनों का इकलौता भाई है, तो क्या बगैर सोचे समझे शादी कर दूं इसकी? माँ प्लीज, मेरा मतलब ये है कि शादी के मामले में ना इंसान को थोड़ा सा किस्मत पे भरोसा कर लेना चाहिए। और माँ प्लीज, आप ना किस्मत से ज्यादा लोगों की क्रॉकरी पे भरोसा करना बंद कर दें। मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि मैं किस पे भरोसा करूं और ना करूं, तू मुझे ये बता कि वहां पहुंच रही है ये नहीं। मैं कैसे आ जाऊं माँ, मेरी 9 बजे की फ्लाइट है आज सुबह, और दानिश भी ऑफिस से घर नहीं पहुंचे,
मैं थोड़ी देर के लिए घर जरूर आऊंगी आपसे मिलने के लिए। फिट है मुंह तेरा, पकड़। किसी को परवाह नहीं है, 5 महीने इसकी। जाहिर है बहू लाना मेरा मसला है तो मैं ले आऊंगी बहू, मुझे नहीं जरूरत। वहां दरअसल मसला पता क्या है, मेरी तमाम बहनें ना लोगों के घर जा जाके बोर हो चुकी हैं। बात सुन, खबरदार तूने अपनी बहनों की तरफदारी की हो, बड़ी आई बोर होने वाली। और तू चल गड्डी ठंडी कर। शाही टुकड़े तो ऑलमोस्ट रेडी हो गए, इससे पहले तुम्हारी अम्मा मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। वाओ, कितने खूबसूरत ग्लासेस हैं। ये ग्लासेस आपने कहाँ छुपा के रखे थे? छुपा के तो रखे थे लेकिन मैंने नहीं, सिकंदर साहब की बेगम ने। अब यहाँ खड़ी रहोगी या जाके तैयार भी होगी? जाओ। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी आपको मुझे इस घर से भेजने की। सच पूछो तो तुम्हारी रुखसती का सोच के खौफ सा आ जाए। तुम्हारे बिना इस घर में अकेले रहना और तुम्हारी अम्मा के हम लोग का अकेला मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम है। उर्वा, भाई कहाँ हो? ये लड़के वाले पहुंच रहे हैं। जल्दी जाओ, जाओ तैयार। घर साफ कर लेना, मेहमान आने वाले हैं। सिकंदर, घर में मेहमान आ रहे हैं, घर को थोड़ा साफ रखना। सिकंदर, सोफे के पीछे से सफाई अच्छी तरह करवाया करो, बहुत कचरा हो गया है। सिकंदर, किचन कैबिनेट साफ करो, वहां पे कचरा हो गया है। मेरी जो जिंदगी आजाद बना के रख दी है इसने। मेहमान आ रहे हैं, फिर तो उसे लकी ग्लासेस भी चाहिए होंगे। अब मैं कहां से पता करूंगा लकी ग्लासेस? एक टांग तो पहले ही टूटी हुई, दूसरी भी टूट जाएगी। सिकंदर से तो बंदर बना दिए, इसकी आवाज सुन के तो मेरा दिल करता है मैं जमीन के अंदर ही तो मारती। बहुत ज्यादा मुझे लास्ट टाइम भी डॉक्टर का जख्म चेक कराए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि कितने लौंडों ने मिलकर मारा है। क्या तो बताओ कि मेरी बीवी ने मारा है मुझे। हुमायूं सईद, कुबरा खान, हमजा अली अब्बासी, 6th Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. मेरे बेटे के पैर तो कहीं पे टिकते ही नहीं है जी। हैं? आपने उमेर के बचपने में वो हिफाजती टीके लगवाए थे? पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। क्यों कह रही हैं जी आप? नहीं, वैसे दिखने में तो ठीक ही लग रहे हैं, ऐसे वैसे तो नहीं लग रहे। अम्मा, इनके कहने का मतलब है कि उमेर का बिजनेस पाकिस्तान और कोरिया दोनों जगह पर है, तो इस वजह से उमेर का आना जाना लगा रहता है। अच्छा, यानी कि मेरी बेटी भी घन चक्कर बनी फिरती रहेगी। ना जी ना, बहू तो मेरे पास रहेगी, अब वो क्या करेगी इसके साथ, बिजनेस के मामलात में कहां लिए फिरेगा औरतों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहू तो बहुत ही शादीशुदा लग रही है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक समझिए, ये माशाल्लाह से शादीशुदा ही है। ये क्या कह रहे हो? अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल कमारा है। मिसेस तैमूर, ये मेरी मिसेस है, मारा माजिद। बहू तो बड़ी चुन के लाई है जी आप। जी, बस इकलौता बेटा है ना, इसीलिए। आजकल ना बहू चुन के ना लाओ तो उल्टा सासों को दीवारों में चुनवा देती है। ये मेरी बेटी है उर्वा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, चश्मे बदू है ना, चांद का टुकड़ा। मैं ग्लासों का कह रही हूँ। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत ग्लास है। अरे तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रही हो, इनको जूस दो, गर्मी से आए बेचारे।
बेटा जी शरबत भी ले लो। थैंक यू। आप समोसे लें और वो पैटीज मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा जी अच्छा, फिर तो मैं सारी खाऊंगी। जी यहाँ रख दे इसके गोद में। बाजी आपके गिलास जी बड़े ही खूबसूरत है, मैं ये गिलास साथ लेकर जाऊंगी। ग्लास जी, जान लिली को देखा किस कमरे में सफाई कर रही है? मेरे ग्लासेस कहाँ चले गए? ग्लासेस ने कहाँ जाना है, ग्लासेस यहीं पर ही होंगे कहीं, पाँव तो है नहीं उनके के कहीं चल के चले जाएं, यहीं होंगे ढूंढो। ये तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? सुबह मैं उठा हूँ और मेरा जूता दो साइज छोटा हो गया। आई मीन लोगों के साथ मैंने ये होता सुना था, मेरे साथ चूंकि फर्स्ट टाइम हुआ, बट मेरे पाँव पे चोट नहीं आई। आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फ्रेश। सी तुम हर वक्त जोकरों जैसी हरकतें क्यों करते हो, मैं तंग आ चुकी हूँ। ये मेरा एवरी मॉर्निंग फिटनेस टेस्ट है। Come on. देखो, आज शाम को मैंने अपने बॉस को चाय पे बुलाया, मुझे ग्लासेस चाहिए। जान ग्लासेस में क्यों चाय दोगी, ये क्वेटा होटल थोड़ी है। उनको कोई हेल्दी चीज दो, ये फिल्टर्ड वाटर दो, या उनको हाथों में चाय पिला दो। आई मीन ये टी शर्ट है इतना खूबसूरत, आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें चाय पिला दो। तुम्हें मालूम है ना वो मेरे लकी ग्लास है, हाँ मेरे नाना की आखिरी निशानी। आई नो तुम्हारे लकी ग्लासेस हैं, वो तुम्हारे नाना की आखिरी निशानी है, बहुत अहम है। तुम्हारी तरक्की उन ग्लासेस की वजह से होती है, लोगों की तनजली होती है, बीमारों को शिफा मिल जाती है जी, बेरोजगारों को नौकरियां मिल जाती है। तुम उन ग्लासेस की तारीफ कर रहे हो या उनका मजाक उड़ा रहे हो? सुकरात को जहर अगर प्याले की जगह उन ग्लासेस में मिलता ना तो वो 100 साल जीता। हाँ, लेकिन उसकी रूह तो अभी तक मेरे साथ जी रही है। इतना लंबा सफर तय किया है उन ग्लासेस ने और अब मेरी जिंदगी में मैं सफर कर रहा हूँ। उन बादशाहों ने ग्लासों में पानी पीकर जंगें लड़ी हैं और आज उन्हीं ग्लासेस के जरिए मैं तुम्हारा सोया हुआ मुकद्दर जगाना चाह रही थी। जान मेरा क्या मतलब? तुम्हारी जॉब की बात चलाइए इसलिए बॉस आ रहे हैं, प्लीज ग्लास तलाश करो, अगर ग्लासेस आज ना मिले ना तो बहुत बुरा होगा, ढूंढो। Please, stop being so racist. Next thing you'll say कि I've got a brown skin, यही रह गया अब। अच्छा अपनी अम्मी को भी फोन करके चेक कर लेना, हो सकता है आंटी ने चोरी किए हो। तुम्हारा भाई भी अक्सर आके किचन से मसाला जात वगैरह चोरी कर लेता है, माइंडसेट तुम लोगों का ऐसा है ना। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ। वो तो नहीं मिले, I found two dead rats. God. कहीं पे भी नहीं है, थक गया हूं मैं ग्लास ढूंढ ढूंढ के। कहां से लाऊं ग्लास? वाह जी वाह भाई, इस ग्लास में तो शरबत का मजा ही और है। तो आप ये ग्लास मुझे दे रहे हैं ना? अमित क्या हो गया आपको, प्लीज डोंट डू दैट। मिसेस तैमूर, आप ये बार बार ये बात करके हमें क्यों शर्मिंदा करें, भला ये चीजें इंसानी रिश्तों से ज्यादा कीमती हैं क्या? जी अब रिश्ता कायम हो ही गया है तो इसमें तो सब चलता रहता है ना। लेकिन माजिद ये ग्लास तो वो लगता है आपकी बेगम ना हमें ग्लास देना नहीं चाह रही, इनके जेज के तो नहीं है? नहीं नहीं मिसेस तैमूर, वो असल में ये चाह रही हैं कि आपको ये ग्लासेस पैक करके देना एक बॉक्स में। अब आप लोग इस तरह लेके जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा ना हमारा। जाओ ये पैक करके ले आओ। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी तरफ से बात करो, ग्लास मुझे बड़े पसंद आए और आपकी लड़की भी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये मुंह तो मीठा करे ना। मैं बहुत मुबारक हूँ। अमारा जल्दी से उठकर ये ग्लासेस को धो के पैक कर दो, शगुन के ग्लास है एक नए रिश्ते की शुरुआत।
शाबाश जल्दी। बहन जी सफर जरा लंबा है, वॉशरूम किधर है? भाई शीशे से ज्यादा चमकदार होने चाहिए, क्योंकि आजकल के लड़के वाले पहले वॉशरूम देखते हैं और बाद में लड़की को देखते हैं। आते ही घर में ना सबसे पहले वॉशरूम का रास्ता पूछते हैं। जी जी आ जाए मिस्टर समू, मैं आपको ले जाता हूँ। आराम से आराम से। अगर ये ग्लास ना मिले ना तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। जान ढूंढ तो रहा हूं और क्या करूं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो सिर्फ तुम्हारे 6 ग्लास हैं। पिछले 6 सालों में ना तुम्हें अच्छी तरह से जान गई हूं। तुमने ये ग्लास इसलिए छुपाए क्योंकि तुम नौकरी से बचना चाह रहे हो। फिलहाल तो तुमसे बचना चाहता हूं मैं। क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर तुम छुपाए हुए ग्लासेस सामने ना लाए ना तो तुम्हारी दूसरी टांकी भी खैर नहीं है। कम ऑन, दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। पूरा किचन उल्टा सीधा कर दिया मैंने। अच्छा अपने अब्बा को फोन करो, हो सकता है अंकल ने मां मैंने तो आज फैसला कर लिया था कि अगर उर्वा के घर वाले लड़की देने से इनकार करते तो मैं खड़ा होकर साफ साफ कह देता कि हमें ग्लास नहीं लड़की चाहिए। बेटा जी आपको लड़की पसंद आ गई है तो इतना हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है, समझ आई है? अपनी दीवानगी पर कंट्रोल करो, कंट्रोल। इस दुनिया में रहने के लिए रस्म रिवाज भी देखने पड़ते हैं। माँ मुझे तो समझ नहीं आती कौन से रस्म रिवाज है, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरा पूरा घर मेरे ना होने वाले ससुरालियों के सामान से भरा हुआ है। बस करो, चुप कर जाओ। अच्छा माँ क्या नाम था उन आंटी का जिन्होंने हमें यहाँ भेजा था? मुश्तरी आंटी। माँ उनसे उर्वा का नंबर तो ले दे प्लीज। मैंने रख के ना मुंह पे चपेड़ मारनी है। चल अंदर आ गाड़ी बंद करके और ये ग्लास लेकर आना, जल्दी कर, जल्दी करो। बात परेशानी की तो है, जो 6 ग्लास हमारे थे ने उनको गिफ्ट में देना हरगिज़ नहीं बनता। हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? भाई सुबह मार्केट खुलते साथ ही मैं जाकर वैसे नहीं तो उससे बेहतर ग्लासेस ले आऊंगा। स्टॉप वरीइंग। और अगर वैसे ग्लासेस ना मिले तो? क्यों भाई, वो ग्लासेस के आसमान से उतरे थे कि वैसे ग्लासेस कहीं नहीं मिलेंगे? ये मेरी बीवी के नाना की आखिरी निशानी है। शेरशाह सूरी ने मेरी बीवी के नाना के दादा को बहुत खूब नाचने पर यह इनाम में दिए थे। अपनी बीवी के इशारों पर नाचने से जब उनको कुछ भी ना मिला तो बादशाह के दरबार में नाचने पर उन्हें ये ग्लासेस इनाम में मिले। बहुत ही लकी ग्लासेस हैं ये। जान इन ग्लासेस से काम चल जाएगा आई एम श्योर। उन 6 ग्लासेस को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, नहीं चाहिए मुझे ये 5 ग्लास। बस बहुत हो गए तुम्हारे बहाने, बहुत कर लिया तुमने आराम। अब तुम्हें नौकरी करनी होगी सिकंदर, और नौकरी करने के लिए मेरे नाना के दिए गए वो 6 लकी ग्लास भी तलाश करने होंगे। जान तुम तो जानती हो नौकरी करने में मुझे कभी भी कोई एतराज नहीं है, आई लव नौकरी, लेकिन अब अगर वो ग्लास मुझे नहीं मिल रहे तो मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं उन्हें? वो 6 ग्लास तो आज मिलके ही रहेंगे। मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगी। तुम बात छोड़ो। गॉड लगता है सिकंदर साहब के घर पे झगड़ा हो रहा है। मैं नहीं सुन रही। मिर्ची ग्वारा का वास्ता। एक ग्लास ढूंढ के दो मुझे। हाँ। क्या? मुझे लगता है कि मियां बीवी के आपस में भी लड़ाई हो रही है। कहीं झगड़ा उन 6 ग्लासों की वजह से तो नहीं है? किस किस्म की बात कर रही हो तुम?
भला 6 ग्लासेस की वजह से मियां बीवी में क्यों लड़ाई होगी? आखिर उन ग्लासेस की औकात ही क्या है? झगड़ा हो सकता है, आप नहीं जानते। वो सिकंदर साहब की बेगम है ना, बहुत तेज मिजाज की खातून है। हमें वहां जाना चाहिए। हमारा ये कैसी बात कर रही हो? किसी की पर्सनल मैटर में इस तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चलो ना प्लीज। हमारा चलो सिकंदर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यार एक्चुअली मेरी घड़ी गुम गई थी, मैं तो वो ढूंढ रहा था, पता नहीं। ये मिल गई है ना? जैसे मिली मैंने फौरन पहन ली। आप लोग खैरियत से आए हैं? वो आपके घर से चीजें टूटने की आवाज आ रही थी। आपके कान बज रहे होंगे, और अगर नहीं बज रहे तो यकीनन हम लोग अपना किचन शिफ्ट कर रहे होंगे। तुम क्या समझते हो मुझसे छुप के बच जाओगे? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। माँ, माँ किधर हो आप? टाइम नहीं है, जल्दी आ जाएं। एक तो आप भी ना। अरे वाह, कितने खूबसूरत ग्लासेस हैं ये, पहले तो कभी नहीं देखे मैंने यहाँ पे। लगता है नए परचेज किए हैं। ब्यूटीफुल। आप लोग जानते नहीं है हद होती है निकम्मे पन की और काम चोरी की। इसे इस शख्स को नौकरी ही नहीं करनी, इसी वजह से इसने मेरे लकी ग्लास छुपा दिए। जाने तुम चुप करो, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा कह रही हूँ, अगर मेरे ग्लास नहीं मिले ना, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम। अरे भाभी आपको क्या हो गया है? प्लीज ये लड़ाई झगड़ा खत्म करें, आपके सारे ग्लासेस मैं ला दूंगा। आप मुझे कहां से लाके देंगे ग्लासेस? अब इनका मतलब है कि आपको बाजार से ला देंगे, नए ला देंगे। वो मेरे सदियों पुराने एंटीक ग्लासेस हैं, जो मेरे नाना के दादा को इनाम में मिले थे और उन्होंने मुझे विरसे में दिए थे, आपको नहीं मिल सकते। भाभी मैं आप ही की ग्लासेस की बात कर रहा हूँ। जी जी, वो असल में ना आपकी गैर मौजूदगी में वो सिकंदर भाई ने ग्लासेस मेरी वाइफ को दी थी। वो असल में कुछ लोग आ रहे थे मेरी सिस्टर को देखने, हड़ताल थी, तो वो ना वो सिकंदर भाई ने अमारा को क्या क्या नाम दिया? उसने कहा है साहिल लुधियानवी। जान अमारा, तुम अमारा जमील हो? भाभी ये अमारा जमील थी, अब तो ये अमारा माजिद है, लेकिन आपको इनका नाम कैसे पता? मुझे यूं मालूम है क्योंकि ये मेरे शौहर की सांप का मंगेतर है, जिसके लिए इसने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। ले तू भी ले, पता है तुझे लड़की बड़ी अच्छी है और खानदान उससे भी अच्छा। ये देख ये ग्लास ने मुझे गिफ्ट किया उन्होंने। लड़की वाले दिल के जरा छोटे नहीं है। हाँ तो अब आप भी थोड़ा दरिया दिली का मजारा करें ना मेरे साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ मुझे एक ग्लास पसंद आ गया है, मैंने अपने साथ दुबई ले जाऊँ प्लीज। अच्छा चल ले जा, तेरे से अच्छे तो नहीं है। माँ आप कितनी अच्छी है, थैंक यू सो मच। कितना झूठा और धोखेबाज है ये शख्स, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपनी महबूबा और सांप का मंगेतर को मेरे ग्लास दे दिए और मुझसे ग्लास ढूंढने का बहाना करके किचन भी बकेर दिया। ऐसा नहीं है डार्लिंग। चुप करो तुम, डार्लिंग किसको कहा? भाभी प्लीज बैठ जाए यार, प्लीज ये लड़ाई झगड़ा खत्म करें, मैं और हमारा जाते हैं और जाकर ग्लासेस ले आते। चलो हमारा। भाभी प्लीज अपने दिल में कोई बदगुमानी मत लाइएगा, सिकंदर साहब बिल्कुल बेकसूर है। तो कैसी तुम्हारी हिमायत में बोल के गई है ये, शर्म तक नहीं आई उसे? कितनी बेशर्म है वैसे, अपने शौहर के सामने अपने सांप का मंगेतर की तरफ दारी कर रही थी वो। देखो मेरे पीठ पीछे कितने गुल छड़े उड़ाए होंगे तुम लोगों ने। महबूबा हमारे घर के बगल में रहती है और तुमने मुझे पता तक चलने ना दिया। प्लीज जान जान गरीब बताना। अच्छा देखो माफ,
मैं बता रही हूँ तुम्हें। प्लीज 230 रुपीज तो दे दो, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ, मैंने हेड मसाज करवानी है। ग्लास क्या हो गए, मेरी गर्दन का फंदा हो गए। वापस मांगती हूँ तो तय हुआ वह रिश्ता खत्म। अम्मा अगर वो ग्लास वापस ना मांगे ना तो सिकंदर साहब और सुंबल के दरमियान वो जो शादी का रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, वो खत्म हो जाएगा। अरे ये बहू को भी ना पूरा मोहल्ला छोड़ के यही घर मिला था ग्लास लाने के। अम्मा ये सब किस्मत का उलटफेर है। मैंने मुश्तरा ममानी से उनका एड्रेस ले लिया, मैं उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना, बुध के दिन आने वाला रिश्ता अगर चला जाए तो फिर ऐसी बदशगुनी होती है कि कोई रिश्ता कभी भी नहीं आता। अम्मा आप बिला वजह घबराती रहती है, ये खानदान वाले ना आपको बिल्कुल सही कहते हैं। अम्मा घबरा लू। अरे ये खानदान ही वाले लोग हैं जो मुझे फोन करके बदशगुनी और शुगनी की बातें करते हैं। अब मेरी बेटी का क्या होगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा क्या? अम्मा मैं एक बात कह रही हूँ, अगर ये रिश्ता खत्म हुआ ना तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, बल्कि अगर मौका मिला तो मैं भाग के शादी कर लूंगी। अरे नहीं, देखा लड़की किस तरह बागी हो गई। मैं ना कहती थी बुध वाले दिन किसी रिश्ते वालों को नहीं बुलाओ, अब देखो किस तरह बदचुगनी होती है। हेलो। हेलो कौन? उमेर बात कर। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जब प्यार दिल में जगह बना लेता है तो सब कुछ जान तो फिर नंबर है। वाह, बातें बनाने में तो बहुत तेज लगते हैं आप मुझे। सिर्फ बातें ही नहीं, जिंदगी के और भी मामलात में काफी तेज हूँ। क्या मतलब? मैंने वहां से कह दिया बस अगले हफ्ते मंगनी और अगले महीने शादी कर रहे हो। अरे 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 क्या हो गया आपको, आप तो मुझे प्लेन पे सवार दिखते हैं। हाँ, और उसी प्लेन पर बिठाकर तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा बहुत जल्द। बहुत ही बेसब्र हो रहे हैं आप। बस तुम्हारा बरसों इंतजार किया, मज़ीद सब्र नहीं होता। It's hard to live without you. अभी मिले हुए हमें वक्त ही कितना हुआ है, आज पहली बार तो मिले हम। मिले हम अभी हैं, लेकिन जानते तो एक दूसरे को बरसों से हैं। मैं तो समझती थी मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो बड़े घुंडे निकले। इश्क लड़ाने का अनोखा अंदाज ढूंढा है तुमने। मैं क्या बकरी की तरह मिनमिना रहे हो? बकरा क्या, शेरनी को देखकर तो भैंसा का भी दम निकल जाता है। ओह, अब मुझे समझ आई तुम घर से शिफ्टिंग की मुखालिफत क्यों किया करते थे। घर छोड़ते भी कैसे, पड़ोस में पुराना इश्क जो रहता है। सुंबल देखो अब तुम वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो। ये दिन देखने से पहले तो बेहतर था कि तुम्हारी माजी में की गई वो खुदकुशी की कोशिश कामयाब हो जाती। अच्छा बेलना तो नहीं। चुप। चोट लग जाएगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैं। हाँ हाय, आपने तो अचानक आके सरप्राइज ही कर दिया। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। मिसेस सैमूर, इधर एक बहुत जरूरी काम से आया। काम भी होते रहेंगे, आप बैठे तो सही ना, बैठे बैठे। अच्छा ये बताएं कि आपने ना चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, शरबत पीना है, क्या पीना? मिसेस सैमूर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको ये तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है बेटा जी, आप बहुत परेशान से लग रहे हो हैं, खैरियत तो है ना? मिसेस तैमूर वो असल में आप लोगों ने जो वो 6 ग्लास लिए थे ना हमसे, मैं वो ग्लासेस वापस लेने आया। आप वो
छह ग्लास वापस लेने के लिए आए हैं? जी। एक और टूट गया? हाँ वो मैं एक ग्लास देख रहा था, अचानक मेरे हाथ से स्लिप हो गया। मुझे लगता है इन ग्लासेस को ना मेरी नजर लग गई है। अच्छा तुम इन ग्लासेस को छोड़ो, जाके रेडी हो जाओ, तुम्हारी फ्लाइट है। तुम ये ग्लासेस तो मेरे सूटकेस में पैक कर दो ना प्लीज, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर दी है, बस तुम्हारी पैकिंग करनी बाकी है। यार मेरी फ्लाइट तो दो दिन बाद की है, तुम अभी अपनी फिक्र करो प्लीज। तुम्हारी फिक्र मैं कैसे नहीं करूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी दो दिन दुबई में। हाँ यू राइट, एक्चुअली वो ऑफिस में एक अर्जेंट काम निकल आया था, वरना तो हम दोनों साथ ही जाते। अच्छा एक ग्लासेस तो मेरे सूटकेस में रख दो ना प्लीज। मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ, तुम जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ मैं बस अभी कर रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके बाय। क्या जी आपको अंदाजा है कि आपके ग्लास मांगने से आपके और आपके खानदान के इम्प्रेशन पे कितना कुछ फर्क पड़ रहा है? बात इम्प्रेशन की नहीं है मिसेस तैमूर, बात कमिटमेंट की है। ने तो हमने कब कमिटमेंट की थी कि हमने ग्लास वापस करने? तो आप कर देना, बल्कि एक काम करिए कमिटमेंट वगैरह छोड़े, आप मुझे प्लीज मेरे ग्लासेस ला कर दे दें। मुझे ना इस वक्त तुम अपनी बहन की खुशियों के दुश्मन लग रहे हो, ये बताओ उर्वा तुम्हारी सगी बहन है? मिसेस तैमूर आप ये सगा सौतेला प्लीज छोड़ दे और मुझे मेरे ग्लासेस ला दे। और कहां से दे दूं? इस वक्त ना मुझे तुम्हारे घटियापन पर अफसोस हो रहा है और अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा है, रश्क। अरे तुम्हारी हकीकत शादी से पहले खुल गई है, अच्छा हुआ। मिसेस तैमूर आपने जो कहना है ना कह दे, लेकिन मुझे मेरे ग्लासेस चाहिए। हाथ धोती है बेशर्मी की, जिस वक्त से आए हो तुम ग्लास 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 की रट लगाई हुई है, मेरे कान पक गए हैं। तो ना पकवाए ना और अपने कान दे दे मुझे मेरे ग्लासेस, ताकि मैं भी फारिग हो जाऊं और घर जाऊं अपने। तुम इस वक्त मुझे इस दुनिया के घटिया तरीन आदमी लग रहे हो, समझे? जी तारीफें करने का बहुत शुक्रिया, अब ग्लास मिल जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? शुक्र करो खुदा का, हाय अल्लाह हमें हकीकत पता चल गई, हमारी अखियां खुल गई हैं। शादी से पहले ये लोग रिश्ता करने के काबिल ही नहीं, बल्कि धक्के मार के घर से बाहर निकालने के काबिल हैं ये लोग। दीजिएगा जरूर दीजिएगा, लेकिन ग्लासेस के साथ। जब तक मुझे मेरे ग्लासेस नहीं मिल रहे ना, मैं यहाँ से नहीं जा रहा। और जाने भी नहीं देंगे हम, रोक के रखना इसे, मैं अभी आती हूँ। कहीं नहीं जा रहा, आ जाए, फिक्र मत करें, यही हूँ, ग्लासेस चाहिए ग्लासेस। लेकिन माजिद भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मामूली से ग्लासेस के लिए आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? मामूली? उमेर वो ग्लासेस मामूली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत से लोगों की जिंदगी वाबस्ता उन ग्लासेस से। रोक के रखना इसे। कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूं, आ जाए। इन छह ग्लासेस का ना मिलना कोई मामूली बात नहीं है। सिकंदर ने मुझसे झूठ बोला, उसने मेरे लकी ग्लासेस अपनी उस पुरानी महबूबा को उठा के दे दिए। हाँ हाँ वही मोहब्बत जिसके लिए इसने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। मुझे बस इससे तलाक चाहिए। सुनो तुम मेरी वकील हो, ज्यादा सिकंदर की वकालत करने की जरूरत नहीं है। मेरी खैर मौजूदगी में ना जाने उसने अपनी पड़ोसन महबूबा के साथ, छी 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 छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। तुम बस बंदोबस्त करो। ये तुम क्या कर रही हो सुंबल? वही तो मुझे करना चाहिए। अगर मेरे ग्लासेस नहीं मिले तो हक मेहर का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि यकीनन तुम जैसे कंगले के पास तो होंगे नहीं। मैं कंगला? मैं कौन रोजाना तुम्हारे पर्स से 500 रुपया निकाल के खर्च करता है? मैं कहां से कंगला आ गया? I've got money in my pocket. हंसाई के साथ चीची कर रहा? चीची मैंने कब किया किसी के साथ? ये इल्जाम है मुझ पे, और वकीलनी का व्हाट्सएप नंबर दो मुझे, इफ शी इज द सेम खूबसूरत वकीलनी दैट वी मेट ऑन द शादी डे। शी वाज गुड दो जान। तो ये है सारी की सारी कहानी। क्या मुसीबत है ग्लासेस भी? ये लो 300 रुपए के होंगे वो ग्लास, और बाकी तुम्हारा आने जाने का किराया, और वो जो तुम लोगों ने हमारी रिफ्रेशमेंट की थी ना उसका बिल समझ के रख लो। ये लो ये 1000 रुपया, कीप द चेंज। एक मिनट, ये जरा पकड़ेंगी? एक मिनट, पकड़े पकड़े, ये लीजिए 5000 हमारी तरफ से उन 300 रुपए के ग्लासेस के लिए, कीप द चेंज। माँ दरअसल बात ये है कि वो ग्लासेस इनके पड़ोसियों के, और वो ग्लासेस इन्हें वापस करने उन्हें।
हाय मैं मर गई तोबा भी तो तोबा मांगे तांगे की चीज से मेहमानों की खातर करते हो तुम लोग। मैं तो 100 नफर पढ़ूंगी शुक्राने के तुम जैसे लोगों से छुटकारा मिला मुझे। छुटकारा आपको मिसेस सैमूर तभी मिलेगा जब आप मुझे मेरे ग्लासेस वापस करेंगी। प्लीज मुझे मेरे ग्लासेस वापस कर दे, उसके बाद मैं यही दुआ करूंगा कि आपने जो नफल मांगे ना कबूल हो जाए। मुझे ऐसा लगता है 2 टके के ग्लासों में तुम सबकी जान अटक गई है। तो माँ बात खत्म करें ना ग्लासेस लेके, आप मुझे बताएं कहां ग्लासेस, मैं भी लेकर आता हूं। आई कहां से लेकर आओगे तुम, वो तो जवेरिया ले गई है। क्या भैया, अभी जवेरिया कौन है, कहां रहती है और क्यों लेकर गई है? एक सेकंड, मैं जवेरिया को भी फोन करता हूँ। है कौन? बहन है मेरी। हेलो। हाँ जवेरिया, कहाँ हो तुम? मैं एयरपोर्ट के रास्ते में। क्यों? तुम प्लीज जाओ, वहीं रुक जाओ। उमर, मैं इस वक्त किसी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। एक तो दानिश भी इतना बिजी हो गए थे कि मुझे अकेले एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। जवेरिया वो ग्लासेस कहाँ हैं? कौन से ग्लास? हाँ वो जो मुझे माँ ने दिए थे। हाँ हाँ वही ग्लासेस, तुम जहाँ हो वही रुक जाओ। प्लीज दुबई मत ले जाना वो ग्लासेस अपने साथ। उमर आ रही हूँ मैं, तुम्हारे उन ग्लासों की वजह से मैं अपनी फ्लाइट मिस कर दूँ। हाँ जवेरिया फ्लाइट मिस करनी होगी, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। तुम उन ग्लासों को अपने फ्यूचर के साथ कहाँ जोड़ रहे हो भाई? सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है जवेरिया। प्लीज तुम जाओ वहीं रुको, मैं ग्लासेस लेने आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन सेंड करो। चले मेरे साथ, एयरपोर्ट जाना होगा। चलो चलो चलो। सुनो, तुम्हारे 2 टके के ग्लासों ने ना हम सबकी जिंदगी जीरण कर दी है। मिसेस तैमूर, क्या आप आमतौर पर बेटियों को गिफ्ट देने के लिए यही तरीका इख्तियार करती है? माशाल्लाह, एक बेटे के भरदक कहवे पे आपने काफी चीजें इकट्ठी की होंगी। घर देख के तो लग भी यही रहा कि माशाल्लाह से काफी अच्छे घरानों में रिश्ता लेके गई आप, है ना? तुम ना तुम हद से बढ़ रहे हो, समझ आई है तुम्हें? प्लीज यार अब आप लोग बस करें, ग्लास लेने चले आपके। चलो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे मेरे ग्लासेस। अच्छा अब देखो, आई गॉट अ ब्रिलियंट आइडिया, बजाय इसके कि हम ग्लासेस का वेट करें, क्यों ना हम ग्लासेस के पास खुद पहुंच जाएं। हाँ मैं बॉस को फोन करके कह देती हूँ कि वो रात को देर से आए, हम तुम्हारी पुरानी महबूबा के पास चल। Oh for God's sake, सुंबल, क्यों तुम किसी का बसा बसाए घर उजाड़ने पर तुली हुई हो? Thou shall love thy neighbor as thyself. अगर तुम उसको पड़ोसन कह दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? अभी तक अपना उजाड़ता हुआ घर नजर नहीं आ रहा तुम्हें, पड़ोसन की पड़ी हुई है। चलो अच्छा लिसन प्लीज, तुम उसको ये बिल्कुल भी शोर मत होने देना कि जैसे मैं बहुत एक्साइटेड था उसके पास आने के लिए। तुम उसको यही कहना कि ये रिलक्टेंट था और तुम मुझे जबरदस्ती घसीट कर लेकर गई हो। तशरीफ रखिए। नहीं जी प्लीज, मुझे बताएगा माजिद साहब कहाँ? माजिद भाई मेरे ससुराल। मेरा मतलब है कि मेरा रिश्ता तय होने से पहले जो आपकी क्लास की वजह से खत्म हो गया वो वहीं गए। देख लिया तुमने, ये है तुम्हारे पड़ोसी, तुमने तो नेकी की थी ना इन्हें ग्लास देके, ये सिला दिया इन्होंने। माजिद आपके ही ग्लास लेने गए हैं। मुझे तो लगता है ग्लास लेने नहीं गए, केटू की पहाड़ी चढ़ने गए जब तक वापस नहीं आए। अमारा, इज इट पॉसिबल कि जब तक ग्लास यहाँ पर नहीं आते हम खुद ग्लासेस के पास चले जाएं? मुझे लगता है इन्होंने जिनको ग्लास दिए ना वो शहर में ही नहीं रहते। लो भाई, खुद चल के आ गए ये लोग अपने ग्लासेस लेने के लिए। अरे सबर नाम की तो चीज ही खत्म हो गई इस दुनिया से, है ना? सबर नाम की चीज नहीं खत्म हुई दुनिया से, एतबार खत्म हो गया है। लो भला, कोई मांगे की चीज भी तोहफे में दे देता है। जरा देखो मयान जैसा मुंह है जिसमें ये लंबी तलवार छुपा के रखी है। देखिए अगर आपको वाकई यकीन है कि माजिद आपके क्लास लेने गए तो फिर आप चले मेरे साथ। फिर हमारा ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है, नहीं आ रहा हमें यकीन। आप प्लीज हमें वहां ले चले जहां हमारे ग्लासेस हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मेरे ग्लासेस की अहमियत क्या है, मेरी ग्लासेस से कितने सारे लोग फैजियाब हुए हैं, कितने सारे लोगों को शिफा मिली है, कितने सारे रिश्ते जुड़े हैं, कितने लकी है मेरे ग्लासेस, आप लोगों को पता ही नहीं है। वो हमारे लिए अनलकी है क्योंकि मेरी बेटी का जुड़ता हुआ रिश्ता खत्म हुआ है। मेरे ख्याल में चलते हैं फिर। आप अकेली कैसे जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो। हाँ तो फिर चले ना, देर किस चीज की है, चले।
इस औरत की जान तो ग्लासों में अटक गई है। हद हो, 6 ग्लासेस क्या हो गए? मुसीबत आ गई है। मुझे ग्लासेस मिल जाए ना तो मैं इसके मुंह पे मारू। उमेर प्लीज स्टॉप इट। तुम क्या कर रहे हो? क्या पागलपन है? तुमने मेरा पूरा पैक किया हुआ सामान खोल दिया यार। चवेरिया वो ग्लासेस कहाँ हैं? वो ग्लासेस अगर मुझे इस वक्त मिल जाए ना, मैं तुम्हारे सर पे देके मारती। देखिए बहन, प्लीज उन 6 ग्लासेस को तोड़ने की कोई बात मत करो। 6 नहीं, 4 ग्लास, 2 टूट चुके हैं। क्या, 4 ग्लास? तो टूट गए, आप क्या हो गए यार? लेकिन वो ग्लासेस तो इस बैग में है ही नहीं। तानिश ने पैक ही नहीं किया, इसका मतलब है घर पे रह गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं घर से ले लूंगा ग्लासेस। अब क्या जाऊं, फ्लाइट मिस हो गई है मेरी। और तुम तो जरा घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देती हूँ वो 4 ग्लास, उसके बाद तुम चकल मत दिखाना अपनी। चलो सामान पैक करवाओ मेरे साथ। बीबी जी, कुछ लोग मिलने आए हैं आपसे। भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। हैं? हमारा उड़वा तुम लोग, खैर तो है ना? और ये क्या, कौन लोग हैं? ये हमारे पड़ोसी हैं जिनके ग्लास आपके घर आए हैं। आए सत्यानाश जाए, मैं कहती हूँ वबाले जान हो गए, ग्लास ना हुए, पता नहीं क्या चीज हो गई है। अरे बड़े छोटे दिल के लोग। हाँ ठीक है, हम लोग छोटे दिल के हैं, लेकिन आप बड़े दिल होने का मुजाहिरा करके प्लीज मेरे ग्लासेस मुझे वापस कर दो। इनकी खामोशी मुझे ये बता रही कि यकीनन इन्होंने मेरे ग्लास बेच दिए हैं। व्हाट व्हाट? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बेचे बूचे नहीं है हमने, वो मेरी बेटी ले गई है। तो आपकी बेटी रहती कहाँ है? वो दुबई। क्या, दुबई? जान, I cannot go to Dubai. I'm not wearing the right dress for it. मेरे ग्लासेस दुबई चले गए? नहीं नहीं, वो मेरा बेटा गया है उमर वो लेने के लिए ग्लास एयरपोर्ट। अच्छा, मेरी अभी आधे घंटे पहले उमर से बात हुई है, वो एयरपोर्ट के रास्ते में ही था, अब समझ में आया कि एयरपोर्ट क्यों गया है। गया? लो घंटा पहले हमारी मुलाकात हुई है, तो आधे घंटे पहले तुम्हारी मेरे पुत्र से बात भी हो गई है। क्या चक्कर है भाई, इतनी देर में इतनी तरक्कियां? ये तो तुमने किया है ना मेरे साथ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे तुमने मेरी सारी प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया। मैं और दानिश 2 दिनों के लिए दुबई में टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, लेकिन तुमने सब पे पानी फेर दिया, सब पे। सुने, ये जो कुछ हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है वो इस बेचारे का कसूर थोड़ी है, असल मुजरिम तो वो ग्लासेस हैं। आप तो आगे चुप करके बैठ जाए, समझे? आपको ग्लास चाहिए ना, मिल जाएंगे। अरे क्या, खाक मिल जाएंगे, आगे यादें रह गए वो। एक मिनट, वहां का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाय, गया भाड़ में। ये बताओ कि ग्लास मिले कि नहीं? हाँ, ग्लास तो जवेरिया के घर पे है और हम भी वहीं जा रहे हैं। अरे शुक्र है अल्लाह का कि ग्लास मिल गए, कराची में ही हैं। उफ तौबा, ग्लास ना हो गए, कोहिनूर के हीरे हो गए, जिसका पीछा करते करते ना इन लोगों ने जन्नम तक चले जाना था। माँ हुआ क्या है, सब ठीक तो है? खैरियत तो तब होगी जब ग्लास इन तक पहुँचेंगे। आए हाय, पूरा शहर आया हुआ यहाँ पर ग्लास लेने के लिए। तुम ऐसा करो, जवेरिया के घर पहुंचो, मैं भी इन्हें लेकर आ रही हूँ। इनसे छुटकारा तो हासिल करना है ना हमने, जान छुड़ाए इन्हें ग्लास दे के। चलो भाई चलो, छोटे दिल वाले लोग, चलो निकलो, आगे लगा। माँ, हेलो। ग्लासेस ना हो गए, अजाब हो गए। कहाँ फंस गए? ये तुम क्या कर रहे हो, देख के गाड़ी चलाओ। एक काम करो, तुम चला लो आगे, आगे इतना परेशान हूँ मैं। मैंने सुना है परेशानी में गोला घंटा खाना चाहिए। सीरियसली? हाँ, लाइक राइट नाउ? नहीं, मतलब जनरली परेशानी। आप दोनों का मजाक हो गया? ओ, आप तो फ्लाइट में सोइए। आप चुप करो।
वाह दानिश तो बहुत खूबसूरत ग्लास है। हाँ ये जवेरिया की मॉम ने उसको गिफ्ट किए थे, वो इनको दुबई भी लेके जाने वाली थी बट शायद यहीं भूल गई। वैसे दानिश मैं सोच रही थी अब तुम बच्चे के बाप बनने वाले हो तो उसी शादी के बारे में सबको बता क्यों नहीं देते। हाँ वैसे मैं भी सोच रहा था कि इस बार जब दुबई जाऊं तो उसे हमारी शादी के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। इस वक्त कौन हो सकता है? जवेरिया तुम गई नहीं? जिस बहन का भाई उमेर जैसा हो ना वो नहीं जा सकती, फ्लाइट मिस हो गई है मेरी। जवेरिया अंदर अंदर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। तुम्हारे सारे दोस्तों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम क्या पर्दा करवाओगे अब मुझसे? हटो यहाँ से। नहीं नहीं जवेरिया जवेरिया प्लीज। तुम दानिश दुबई इसलिए नहीं गए थे कि तुमने पाकिस्तान में इस चुड़ैल के साथ दुबई जो बना लिया था, है ना? नहीं 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 जवेरिया तुम गलत समझ रही हो, ये तो नाहिद है। मैं तुम्हें इसके बारे में सब बताने वाला था, ये तो मेरी दूसरी बीवी है। दूसरी बीवी? मेरे पीठ पीछे मुझे दुबई भेजकर तुम मुझे बताना चाह रहे थे? नहीं नहीं यार उमेर, तुम्हारी तो पूरी फैमिली इन ग्लासेस की दुश्मन है यार। ये ग्लास नहीं है, ये ग्लास मेरी खुशियों के दुश्मन है। मनु से ये ग्लास। सिर्फ दो ग्लास बचे? तुम्हारे दो ग्लास बच गए, मेरी बेटी का घाट तो टूट गया ना। नहीं आंटी प्लीज ऐसे ना कहें, जवेरिया का घर नहीं टूटा और आगे भी नहीं टूटेगा। लेकिन मेरा दिल तो टूट गया ना। आप लोगों के ग्लास मिल गए ना, चलो जाओ जाके खुशियां मनाओ तुम लोग। हाय मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। जवेरिया घर कभी ना टूटा है और ना कभी टूटेगा। मुझे जाने दो दानिश। नहीं नहीं नाहिद, नहीं दानिश आपकी जिंदगी पर जवेरिया का पहला हक है, आप उसके साथ रहे, मुझे जाने दे। मैं गरीब लड़की हूं, मैं गरीब लड़की हूं, थानिश ने मुझे सहारा दिया। मुझे जॉब दिलवाई, मेरी बेवा माँ की तिमारदारी के लिए दानिश मेरे घर आए गए तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई क्योंकि गुर्बत का हर एक दुश्मन होता है।
दानिश को मेरी शादी के लिए वक्त और हालात ने मजबूर किया। और मेरा दानिश से वादा था कि जिस दिन मुझे महसूस हुआ मैं दानिश की खुशियों में रुकावट बन रही हूं, मैं उसी दिन दानिश की जिंदगी से चली जाऊंगी। रुको, तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी बातों से मुझे सच्चाई की महक आ रही है। मुझे लगा कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने आज जिस बड़ाई का मुजाहरा किया है ना, उससे ये बात साबित होती है कि औरत औरत की दुश्मन नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि आज से हम एक साथ रहेंगे। और दुनिया को बता देंगे कि औरत औरत की दुश्मन नहीं होती। और अगर एक औरत दूसरी औरत पर एतबार करना शुरू कर दे तो मर्द की बेएतबारी को हमेशा हमेशा के लिए उसके दिल से खत्म कर सकती है। देखा नहीं, ये सब मेरे लकी ग्लास का करिश्मा है। आज जवेरिया ने शक के जहर को खत्म कर दिया। वाओ, मैं समझता था कि ये ग्लास अनलकी हैं, लेकिन यार ये तो बहुत लकी हैं। हाँ, इन ग्लासेस की वजह से कुछ पुराने रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो गए, और कुछ रिश्ते ऐसे थे जो कि बनने से पहले ही टूट गए। जितने ग्लास टूटने थे टूट गए। और जितने रिश्ते टूटने थे वो भी टूट गए। अब जो रिश्ता जुड़ेगा वो हमेशा कायम रहेगा। इधर आ बेटा, आजा, जल्दी कर, हट। आज मैं ये रिश्ता जोड़ रही हूँ। आप सबको ये नया जुड़ा हुआ रिश्ता और बचे हुए ग्लास मुबारक हो। अगर इस तरह की वार्डरोब वाली खवातीन आपस में एक दूसरे के साथ खुश रह सकती हैं, तो फिर हम किसी के साथ क्यों नहीं खुश रह सकते? What?